IFTM विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ साइंसेस की ओर से दो दिवसीय टैलेंट हंट प्रोग्राम अभिव्यक्ति में विद्यार्थियों ने विविध कार्यक्रमों के माध्यम से अपना जलवा दिखाया। दो दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट की निदेशिका प्रोफेसर निशा अग्रवाल ने अपने कर कमलों द्वारा फीता काट कर किया। कार्यक्रम का आगाज माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर महेंद्र प्रसाद पांडे ने कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु अपनी शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं स्कूल ऑफ साइंसेज के निदेशक प्रोफेसर बीके सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि इस तरह के कार्यक्रम विद्यार्थियों में छिपी प्रतिभा को उजागर करने हेतु मंच प्रदान करते हैं, जो विद्यार्थियों के समग्र विकास में सहायक होते हैं। हम सभी हर सारी चीजों में हर गुणों से संपन्न तो नहीं हो सकते, लेकिन किसी न किसी एक दो चार छह टैलेंट से हम लैस हो सकते हैं। हम खूब एक्वेंटेड होंगे, हम अपने अंदर छिपे हुए टैलेंट को दबाए नहीं, उसको उकेरे। हो सकता है हम बहुत अच्छी कविता करते हो सकता है हम बहुत अच्छा लेखन का काम करते हो, बहुत अच्छा ड्राइंग बनाते हो, और आप ही में से कुछ बच्चों ने बाहर गेट के बाहर जो रंगोली बनी हुई है, ब्यूटीफुल रंगोली बनाया हुआ है, ये आपके अंदर छिपे हुए टैलेंट का ही निशानी है। आपके अंदर छिपे हुए गुण की अभिव्यक्ति, और उस अभिव्यक्ति को भी इतने स्मार्ट वे में आपको प्रेजेंट करना है कि आप सिरमौर बने रहें, जिस जनमानस में आप हो वहां पे सबसे टॉप में छिपे हुए हो। इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है वास्तव में, कुछ उसको अभिव्यक्त करने से कभी चूकिएगा मत। अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रोफेसर अरुण कुमार मिश्रा ने बताया कि वास्तव में अभिव्यक्ति कार्यक्रम अपने आप को अभिव्यक्त करने का एक खुला मंच है। हमें शिक्षा के साथ साथ इस प्रकार के कार्यक्रमों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। आपने अपने टैलेंट को शो करा, जो कि टैलेंट अंदर छिपा हुआ होता है, उसको एक मंच पर निकालना होता है, जिसके लिए कोई ना कोई कार्यक्रम आयोजित होता है, तभी बच्चे की प्रतिभा बाहर निकलती है और एक को देख के दूसरा भी कुछ करने के लिए प्रेरित होता है। कार्यक्रम के पहले दिन विभिन्न प्रतियोगिताएं डांसिंग, सिंगिंग, कॉमेडी, शायरी, मेहंदी, हेयर स्टाइल, नेल्स पेंटिंग आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें विभिन्न विभागों के विद्यार्थियों ने डांसिंग एवं सिंगिंग प्रतियोगिताओं में भाग लिया। कार्यक्रम के शुभारंभ के दौरान उपस्थित प्रति कुलपति प्रोफेसर राहुल कुमार मिश्रा, निदेशक HR प्रोफेसर वैभव त्रिवेदी, डीन ऑफ फार्मेसी संकाय प्रोफेसर नवनीत वर्मा ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। प्रोफेसर वर्मा ने कहा कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कड़े संघर्ष की आवश्यकता है। कार्यक्रम के दूसरे दिन शायरी, स्टैंड अप कॉमेडी, नेल आर्ट, हेयर स्टाइल, मेहंदी, क्राफ्टिंग एवं फैशन शो आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इस दौरान सभी प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर संजीव अग्रवाल तथा निदेशक HR प्रोफेसर त्रिवेदी, स्कूल के निदेशक प्रोफेसर सिंह ने ट्रॉफी एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने कार्यक्रम संयोजिका एवं गृह विज्ञान विभाग की विभाग अध्यक्षा डॉक्टर तृप्ति पांडे द्वारा अभिव्यक्ति कार्यक्रम कराने की इस पहल को भी काफी सराहा तथा भविष्य में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने की आशा व्यक्त की। डॉक्टर तृप्ति पांडे ने बताया कि इस कार्यक्रम में कुल 177 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन सह संयोजक व रसायन विज्ञान विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर हिमांशु गुप्ता तथा छात्रा आकांक्षा सिंह एवं लाइबा ने किया। कार्यक्रम को सफल आयोजन में डॉक्टर अशोक कुमार, डॉक्टर रश्मि रानी, डॉक्टर रिद्धि गर्ग, डॉक्टर पवन शुक्ला, डॉक्टर अमित भटनागर, डॉक्टर स्मिता ज्योति, डॉक्टर सुधा मतपाल, रुचि चौधरी, पायल सिंह, संध्या शर्मा सहित स्कूल ऑफ साइंसेस के सभी शिक्षक एवं विद्यार्थियों का सहयोग रहा। अंत में आयोजन सचिव व वनस्पति विज्ञान विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रश्मि रानी ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर निदेशक IQC प्रोफेसर राकेश कुमार यादव सहित विभिन्न स्कूलों के निदेशक, शिक्षक एवं भारी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे। The basic purpose of talent hunt is to make out the hidden talent in you. Means I will like to quote that gone are the days when technical skill of subject skill was important for your career. Now you require soft skill. Soft skill means, as your director has quoted, that you should adjust. If you try to conquer the circumstances, and if circumstances are not favorable, that adjustment is equivalent to conquer. Like he gave an example of egg
कॉफी एंड पोटैटो एंड थ्रू द एग्जाम्पल इट इज क्लियर दैट दोज हु एडजस्ट विद द सर्कमस्टेंसेस आर द विनर्स. अगेन एट द टाइम ऑफ दिस बेनेडिक्टरी सेशन आई गिव माय ब्लेसिंग्स टू यू ऑल एंड होप दैट यू विल स्ट्रगल और यू विल स्टडी हार्ड स्ट्राइव हार्ड एंड विल मेक योर कैरियर टू अचीव योर टारगेट एंड टू मेक योर लाइफ हैप्पी. थैंक यू.